दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा तो एक बेहतरीन सा आपको प्लान दिखा होगा और इसी प्लान को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जिसका साइज है 40x40, 1600 स्क्वायर फीट में पूरा मॉडल बना हुआ है। हालांकि पूरा मैंने 1600 स्क्वायर फीट कवर भी नहीं किया है, कुछ एरिया इसमें मैंने लीव कर दिया है, लेकिन जो अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो आपको एक मॉडर्न हाउस मिलने वाला है, क्योंकि लोग ऐसे ही घर आजकल पसंद कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर अभी तक ग्रामीण क्षेत्र को कवर करता था, मैं जो भी घर बनाता था वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ज़्यादातर होते थे, बट काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, रिकमेंड किया कि आप सर अब मुझे ऐसे मॉडल दीजिए जो इस समय मॉडर्न हाउस चल रहे हैं, शहरों में ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आज मैंने इस प्लान को कंसीडर किया है, 40x40 में बनाया है। तो अगर आपकी बात करें, एक कॉर्नर का प्लॉट है, फ्रंट में और साइड में आपको दोनों जगह स्पेस मिलेगा, दोनों जगह रोड है, तो वहाँ पर भी वेंटिलेशन का प्रॉपर डिज़ाइन वगैरह मैंने दोनों जगह क्रिएट की है। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट नहीं है, 40 फीट आपका केवल फ्रंट है, तो आप साइड वाले पोर्शन को हटा सकते हैं, आप केवल फ्रंट का डिज़ाइन ही बनवाइएगा, क्योंकि फ्रंट का डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। दोस्तों, स्मॉल हाउस प्लान को आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियो नए लाता रहता हूँ। तो चलो, आज का जो मॉडल है 40x40 को उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये दोस्तों प्लान है जिसकी मैं बात कर रहा था, 40x40। हालांकि ये थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया है, इसी को दिखाया था मैंने। तो फ्रंट आपका ये होने वाला है जैसा कि देख रहे हैं, इसके बाद साइड वाला व्यू ये है जो मैंने बताया था, कॉर्नर का प्लॉट है। तो फ्रंट तो आपका मैंने यही दिखाया है और साइड में आपका ऐसा दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी रोड है, लेकिन मैंने यहाँ केवल विंडोज का ही इस्तेमाल किया है जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके और थोड़ा सा एलिवेशन भी दिया है जिससे आपका घर और खूबसूरत लगने लगे। तो 40x40 का ये प्लान आपके सामने मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट की, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत होने वाला, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। उसके ग्रिल वगैरह जो रेलिंग का डिजाइन है वो आप देख लें, जो ग्रिल का डिजाइन है वो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर बना हुआ है, विंडो का, डोर का, और यहाँ पर जो चीजें मैंने क्रिएट की हैं ये दोस्तों आपको पीओपी वाले जो आपके होते हैं ना, पीओपी या डेकोरेशन वाले, वो सारी चीजें बना पाएंगे। और घर तो नॉर्मली बनते हैं, लेकिन इसके बाद उसमें डिजाइनिंग का काम स्टार्ट होता है, डेकोरेशन का काम स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीजें बाद की हैं। तो यही मॉडल देखिएगा, आपको मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ, ये आपको ऊपर से देखने वाला है। अगर ऊपर की बात करें, देख सकते हैं इधर भी मैंने ग्रिल वगैरह दिया है, सामने भी ग्रिल दिया है। फ्रंट का जो ग्रिल है वो आपको और थोड़ा अलग किस्म का दिख रहा होगा, इधर की बात करें इधर भी, और इस कॉर्नर का ग्रिल वगैरह भी आपको देखिएगा थोड़ा हट के ही देखने को मिल रहा होगा। तो इसी मॉडल को बात करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें तो इधर से आपका फ्रंट है और यहाँ से आपका मेन डोर, जहाँ से इंटीग्रेटिंग दोनों साइड विंडो लगे हुए हैं। इसके बाद ये लगभग 6 से 7 फीट का बारंदा टाइप को आपको दिख रहा होगा आगे, और इसके बाद ये यहाँ पर ये डिजाइनिंग के पर्पज से इधर आप घूम कर जाएंगे, यहाँ पर मैंने ग्रीन एरिया कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे, ये विंडो वगैरह है। तो आप बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। दोस्तों, इसका ग्राउंड फ्लोर है, जैसे आप मेन डोर से एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप आ जाते हैं इस घर के किचन में। सबसे पहले आपको किचन ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बाहर से विंडो है और इधर से आपका डोर है। तो ये मैंने यहाँ पर किचन एरिया बनाया, उसके जस्ट सामने ये कॉर्नर पर देख लीजिए आपका एक पूजा घर है, और इसके बाद आगे आप जैसे आते हैं तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दो बेडरूम मिलते हैं, इसके लिए अलग अलग मैंने डोर दिया है। और यहाँ पर बात करें राइट हैंड साइड में, तो यहाँ भी दो बेडरूम है और दोनों बेडरूम के लिए अलग अलग लेटरिन बाथ मैंने दिया है, जो कि अटैच्ड बना हुआ है। अगर हम बात करें ये पहले वाले बेडरूम के लिए, तो इस डोर से आप इधर आएंगे, उसके बाद ये आपके लिए लेटरिन बाथ यहाँ पर अटैच्ड मैंने दिया है। इसके बाद अगर इस वाले बेडरूम की बात करें तो इधर आप जाएंगे, इसके लिए अलग से एक लेटरिन बाथ अलग मैंने अटैच्ड दिया है। और इसके बाद सबसे पीछे जाते हैं तो पीछे वाला जो कॉर्नर का बेडरूम है लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें भी एक अटैच लेट एंड बात दिया है। तो ये सारी चीजें मैंने अटैच करके दी अलग अलग सेपरेट, बिल्कुल हर एक बेडरूम के लिए अलग लेट और बात मैंने यहाँ पर दिया है। और इसके बाद किचन आपका सिंगल है, पूजा घर भी एक है, ये आपको डाइनिंग हॉल मिलता है, इसका दिए आपकी स्टेयर्स मिलती है, इससे आप ऊपर जाएंगे। अगर बात करें लेफ्ट हैंड में, क्योंकि आपके पास रोड है मतलब जगह है, तो लेफ्ट हैंड में मैंने दोनों तरफ यहाँ पर विंडो दिया है, दोनों बेडरूम में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन जिसमें होता है, तो विंडो दिया है। और आगे वाले में फ्रंट पे भी आपको विंडो देखने को मिलता है जिससे आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होता है। इसके बाद आगे की बात करें तो इधर देखिएगा, ये आपका डिजाइनिंग के पर्पज से चीजें मैंने और क्रिएट कर रखी हैं। तो ये पूरा फर्स्ट फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर था, और भी चीजें आप देख सकते हैं ये के कुछ मैंने कलर कॉम्बिनेशन और टेक्सचर अलग अलग यूज किए हैं, कुछ ईटों का टेक्सचर है, कुछ बात करें इधर येलो कलर है, इधर आपका ये रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की, तो आप देखिएगा
चारों तरफ से बाउंड्री वॉल क्रिएट किया है, 3.5 फीट है कहीं कहीं 4 फीट है, अलग अलग डिपेंड करता है, जहां पर ज्यादा ऊंचाई वहां पर 4 फीट है लगभग, और 3.5 फीट का ग्रिल चारों तरफ दिया। ये दोस्तों स्टेयर जो था ना, स्टेयर और अब साइड में जो लेटरिन बाद में अटैच दिया, उन दोनों को कंबाइन करके ऊपर गुमटी बना दिया, उसी पर छत बना दिया, और छत को थोड़ा मॉडर्न बनाने के लिए मैंने चीजें देखी यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, वुडन का आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर है, और यहाँ पर दो प्लग उस पर पूरा ये चीजें टिकी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा घर का डिजाइन आपका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के साथ बनकर रेडी हो जाता है। साइड से आप देख लीजिए, सारा डिटेल आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और ये मॉडल आपका ये, और मैं जूम करके दिखा देता हूँ इससे आप और इसका रियलिस्टिक व्यू समझ पाए, और जब भी आप बनवाने जाएंगे तो ये घर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो आप जब भी बनवाएं इन चीजों को एक बार अपने मिस्त्री या कॉन्ट्रेक्टर जो भी आप हायर करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से वीडियो को दिखाइएगा, और इसका 2D प्लान आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिएगा, कुछ आपको पे करना होगा, मैं इसका 2D प्लान भी आपको दे दूँ। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं पेड सर्विस भी चलाता हूं, मैं जैसा कि आप लोगों को लगातार बताता रहता हूं, तो आपका किसी भी प्रकार का प्लान है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉलिंग नहीं लगे तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट करें, लेकिन वही लोग कॉन्टेक्ट करें जो पेड सर्विस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको पे करना होगा, 50% एडवांस करना होता है, 50% बाद में करना पड़ता है। अगर रेट की बात करें वो मैं आपको व्हाट्सअप पर ही शेयर करूंगा कि क्या आपका रेट होने वाला है। तो मैं 2D और 3D दोनों प्लान क्रिएट करता हूं, अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा प्लान आपको दिया जाएगा। लेकिन बस पेड सर्विस इसका विशेष ध्यान रखें, फ्री में कॉन्टेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका भी समय खराब होगा और हमारा भी होगा। इससे अच्छा पहले डिसाइड कर लें, और 50% पेमेंट पहले ही देना होगा, और आपको मॉडल पूरा बहुत ही बेहतरीन मैं देने वाला होता हूँ। जो बहुत से मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट कर करके अपने मॉडल्स क्रिएट करवाएं, तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिएगा, और ध्यान ये रखें कि पेमेंट आप कभी भी जब करें ना किसी भी, तो आप हमें पहले कॉल कर लें, मैं आपसे नंबर लूँगा, आपसे मैं बात करूँगा, तभी आप पेमेंट करें, किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत से लोग होते हैं अपने नंबर छोड़ देते हैं और आप उनके नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, वो आपसे आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, तो उससे आप बचें। मैं आपसे नंबर मांगूंगा, मैं नंबर मांग कर आपको कॉल करूंगा, इसके बाद मैं अपना जो भी पेमेंट मैथड है उसे शेयर करके आपसे पेमेंट लेता हूँ। तो इसका विशेष ध्यान रखें, आप बात होए, आप जब आपकी बात हो जाए हमसे तभी आप पेमेंट करें, अन्यथा अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो आज इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे, वीडियो को प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दें, थैंक्स।